हेलो एवरीवन वेलकम टू माय क्लास दिस इज क्लास थ्री कंप्यूटर बुक और जिसका हम चैप्टर थ्री इस वीडियो में कवर करेंगे सो चैप्टर थ्री का नाम है पेंट थ्री डी हाई फ्रेंड्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट टैक्स पेंट एंड एमएस पेंट आर यूज फॉर क्रिएटिंग टू डी शेप्स नाउ लेटस क्रिएट थ्री डी शेप्स यूजिंग पेंट थ्री डी सॉफ्टवेयर तो अभी तक जो भी आप पेंट यूज़ करते थे उसमें आप क्या करते थे उसमें आप टू डी शेप्स बनाते थे टू डी का मतलब है टू डायमेंशन डी फोर डायमेंशन डायमेंशन क्या होती है जैसे कि आपने बनाया एक स्क्वायर, ये टू डायमेंशन हो गई इसमें क्या है लेंथ है और विड्थ है लेकिन अब जो हम इसमें थ्री डी पेंट पढ़ने वाले हैं इसमें थ्री डायमेंशन होती हैं ठीक है यानी कि इसमें हाइट भी एड हो जाएगी ओके okay? तो इस तरह से ये थ्री डायमेंशन इसमें हम शेप्स या डायग्राम्स बना सकते हैं इंट्रोडक्शन पेंट थ्री डी इज अ ड्राॅइंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट तो ये एक ड्राॅइंग प्रोग्राम है जिसे किसने डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने और जो पेंट हम अभी तक करते थे वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था इट इज़ एन अपडेटेड वर्जन ऑफ एम एस पेंट ये एम एस पेंट का ही एक अपडेटेड वर्जन है विच इज़ इंक्लूडेड इन विंडोज़ टेन जो विंडोज़ टेन में आपको मिलेगा पेंट थ्री डी इज़ यूज टू क्रिएट एडिट एंड प्रिंट थ्री डी शेप्स तो पेंट थ्री डी में आप क्या कर सकते हैं थ्री डी इमेज़ को थ्री डी शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं यानी कि बना सकते हैं उनको एडिट कर सकते हैं एंड उनको प्रिंट कर सकते हैं इट अलाउज़ यू टू मेक क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स यूजिंग टू डी एंड थ्री डी टूल्स तो इसमें आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं टू डी एंड थ्री डी टूल्स को यूज़ करके टू डी एंड थ्री डी टू डी एंड थ्री डी क्या होता है एज आई टोल्ड यू कि टू डायमेंशंस यानी कि एक स्क्वायर फ्लैट चीज़ और थ्री डायमेंशंस जिसमें आप हाइट भी इंक्लूड कर सकते हो तो वो क्या हो गया वो थ्री डायमेंशन हो गया इन टू डी एंड थ्री डी द डी स्पेसिफाइज डायमेंशंस तो डी का क्या मीनिंग है डायमेंशंस इन्वॉल्व इन द शेप ठीक है तो उस शेप में कितनी डायमेंशंस इंक्लूड है इससे हमें ये पता चलता है अ टू डी शेप इज अ फ्लैट एंड कंप्राइज ऑफ टू डायमेंशंस दैट आर लेंथ एंड विड्थ तो टू डी शेप में क्या होती है हमें सिर्फ लेंथ और विड्थ मिलती है दी शेप्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट शेप्स तो ये फ्लैट शेप्स होती हैं फ्लैट शेप्स जैसे कि आप एक कागज़ का टुकड़ा लेके उसको कट कर दोगे स्क्वायर की शेप में तो वो एक फ्लैट शेप हो गई अ थ्री डी शेप कंप्राइजेज ऑफ थ्री डायमेंशंस दैट आर लेंथ विथ एंड हाइट और थ्री डी शेप में क्या होता है थ्री डायमेंशंस होती हैं तीन डायमेंशंस होती हैं लेंथ और विथ तो होती है उसके साथ में उसमें हाइट भी इंक्लूड हो जाती है सो so, आप देखेंगे कि ये जो फ्लैट है जैसे आपने पेपर कट करके रखा तो वो कैसा है वो एक स्क्वायर के जैसा है और वो एक फ्लैट शेप है तो वो टू डी शेप हो गई लेकिन आप ऐसे डाइस को देखेंगे तो ये क्या होगा ये थ्री डी हो गई इसमें हाइट भी इंक्लूड हो गई ठीक है आप एक फ्लैट पेपर और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो इसमें क्या होगा इसमें हाइट भी होगी ये क्या था यहाँ पे सर्कल था लेकिन जब ये स्फेयर होता है एक बॉल को आप देखोगे तो वो क्या होती है एक थ्री शेप होती है ये क्या है ये एक रेक्टेंगल है ये एक फ्लैट फिगर है लेकिन जब आप ब्रिक को देखोगे ब्रिक कैसी होती है इसकी जैसी होती है क्यूबॉइड की तरह होती है ठीक है तो ये एक थ्री शेप है तो ये सारी ही शेप्स क्या हैं थ्री डी शेप्स हैं स्टार्टिंग पेंट थ्री अब हमें पेंट थ्री को स्टार्ट कैसे करना है जैसे हम सारे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सेम वैसे ये भी स्टार्ट होता है लेकिन लेट अस सी कि कैसे इसमें हमें बताया गया है टू स्टार्ट पेंट थ्री डी फॉलो द स्टेप्स गेव इन बिलो हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट आइकन और प्रेस दिस आइकन इसी को बोलते हैं स्टार्ट आइकन द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा आपके पास यहाँ कॉर्नर में आपको स्टार्ट बटन मिलेगी जब आप उस उसमें क्लिक करोगे तो आपको ऐसे स्टार्ट मेन्यू ओपन होके मिल जाएगा आ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट तो यहाँ लेफ़्ट साइड आपको सारी लिस्ट एप्लीकेशन की दिख जाएंगी जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल हैं यू कैन स्क्रॉल डाउन टू फाइंड पेंट थ्री डी तो अगर आपका पेंट थ्री डी इसमें नहीं शो कर रहा है तो आप उसको इसक्रॉल कर सकते हैं नीचे मूव कर सकते हैं मूव करने को स्क्रॉल करना बोलते हैं तो आपको पेंट थ्री डी उसमें मिल जाएगा क्लिक ऑन पेंट थ्री डी आप पेंट थ्री डी पे क्लिक करोगे पेंट थ्री डी वेलकम स्क्रीन अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू तो आपके सामने क्या होगा पेंट थ्री डी खुल जाएगा ये देखिए यहाँ पे ये लिस्ट खुल गई है और इसमें पेंट थ्री डी सर्च करके इस पर क्लिक करना है देन क्या होगा यहाँ पे पेंट थ्री डी की वेलकम स्क्रीन आ जाएगी वहाँ पे हमें क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट आपको न्यू पे क्लिक करना है एक नया प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए पेंट थ्री डी प्रोग्राम ओपन्स विद अ ब्लैंक कैनवस इन द सेंटर टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स तो ये क्या है पेंट थ्री डी का प्रोग्राम है विंडो है उसकी ये ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैंक कैनवस मिल जाएगा ठीक है तो ये जो एरिया आपको मिल रहा है ड्रॉ करने के लिए इसे कैनवस बोलते हैं और ये ब्लैंक है खाली है इसलिए ये ब्लैंक कैनवस है इसमें आप ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं पेंट थ्री डी विंडो अब ये जो विंडो खुली है ना उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे कि सारे ही प्रोग्राम्स में होते हैं वैसे इसमें भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं गिवन बिलो इज़ देंट थ्री डी विंडो लेट एस नो अबाउट इट्स डिफरेंट कम्पोनेंट्स तो इसके कौन कौन से कम्पोनेंट्स हैं इसमें ब्रशेज हैं जिससे आप ड्रॉ कर सकते हो कलर कर सकते हो यहाँ पे मेन्यू अवेलेबल है इससे आप टू डी शेप्स बना सकते हो इससे आप थ्री डी शेप्स बना सकते हो ये थ्री डी लाइब्रेरी है यहाँ पे आपको थ्री डी शेप्स मिल जाएंगी ये पैनल है आपको कौन से टाइप का ब्रश चाहिए स्टिकर्स यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो कैनवास आप इंसर्ट कर सकते हो या कैनवस का साइज़ आप चेंज कर सकते हो कैनवस यानी कि जो एरिया आपको ड्रॉ करने के लिए मिल, मिल रहा है ये कैनवस है नेक्स्ट है मैन्यू इट कंटेन्स मैनी ऑप्शन लाइक न्यू ओपन सेव एसेट्रा टू वर्क विद तो मेन्यू में आपको क्या मिलेगा ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप न्यू फाइल खोल सकते हो पुरानी फाइल ओपन कर सकते हो इस फाइल को सेव कर सकते हो ब्रशेज इट डिस्प्लेस मैनी टाइप्स ऑफ ब्रशेज इन द मार्कर पैनल ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो तो इसमें आपको बहुत सारे ब्रशेज मिलेंगे राइट मार्कर पैनल है ये ठीक है इसको बोलेंगे मार्कर पैनल इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ब्रशेस मिल जाएंगे 2D डी शेप्स दिस ऑप्शन इज़ यूज टू ड्रॉ एंड एडिट टू डी शेप्स इसमें आप क्या कर सकते हो 2D डी शेप्स को यूज़ कर सकते हो 3D डी शेप्स में 3D डी शेप को यूज़ कर सकते हो और एडिट कर सकते हो स्टीकर से दिस ऑप्शन इज़ यूज टू एड डिफरेंट स्टीकर्स एंड टेक्सचर्स। इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टीकर्स लगा सकते हो टेक्स्ट से आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो इफेक्ट से आप जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है उसको आप फिल्टर कर, कर, कर सकते हो उसका कलर चेंज कर सकते हो उसकी सोर्स ऑफ लाइटिंग चेंज कर सकते हो कैनवस दिस ऑप्शन अलाउज यू टू रिसाइज एंड कंट्रोल द डायमेंशन ऑफ द कैनवस इससे आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो कैनवस का उसका साइज चेंज कर सकते हैं थ्री डी लाइब्रेरी दिस ऑप्शन इज यूज टू एड थ्री डी ऑब्जेक्ट्स इससे आप थ्री डी ऑब्जेक्ट्स प्री मेड मतलब ऑलरेडी रेडीमेड uh, आप थ्री डी ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो पैनल से क्या कर सकते हैं दिस एरिया शोज ऑल द टूल्स ऑफ सेलेक्टेड ऑप्शंस तो जो भी आपने टूल चूज किया उसके सारे ऑप्शंस को ये शो करेगा पैनल में ड्राइंग टू डी शेप्स कैसे हम टू डी शेप्स को ड्रॉ करते हैं यू कैन ड्रॉ वेरियस टू डी शेप्स इन पेंट थ्री डी फॉलो द स्टेप्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज टू ड्रॉ और टू डी शेप तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आप टू डी शेप को ड्रॉ कर सकते हो उसके लिए क्या करना है क्लिक ऑन टू डी शेप यहाँ पे है टू डी शेप का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है डिफरेंट शेप्स अपियर इन द टू डी शेप पैनल तो यहाँ पे टू डी शेप पैनल खुल जाएगा जिस भी टू तू, टूल को आप क्लिक करोगे उसका पैनल यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे टू डी शेप पर आपने क्लिक किया तो जितनी भी टू डी शेप्स अवेलेबल हैं दे विल विजिबल यू हेयर क्लिक ऑन द शेप यू वॉन्ट टू ड्रॉ जो कौन सी भी आपको शेप ड्रॉ करनी है उस पर आपको क्लिक करना है जैसे यहाँ पे क्लिक किया है स्टार पे क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रार्क टू ड्रॉ द शेप ऑन द कैनवस तो उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करने के बाद में जाना है यहाँ कैनवस पे वहाँ पे क्लिक करके क्लिक करके ड्रैग करना है कि छोड़ना नहीं है जहां पे आप छोड़ोगे उतना बड़ा वो स्टार आपको मिल जाएगा रिलीज द माउस बटन उसके बाद आपको माउस बटन छोड़ देनी है यहाँ पे फोर पे तो इतना बड़ा स्टार आपको मिल जाएगा इन दिस एग्जाम्पल वी हैव ड्रॉन टू डी स्टार शेप तो इस एग्जाम्पल में क्या ड्रॉ किया गया है एक टू डी स्टार शेप ड्रॉ किया गया है फिलिंग कलर इन द शेप अब इस शेप में हम कलर भी फिल कर सकते हैं यू कैन फिल एनी कलर इन द टू टी शेप विथ फिल टूल यहाँ पे आपको फिल टूल भी मिल जाएगा उससे आप इसमें कलर कर सकते हो क्लिक ऑन ब्रशेज़ आपको ब्रशेज़ पे जाना है क्लिक ऑन फिल टूल यहाँ पे आपको फिल टूल मिलेगा क्लिक ऑन द कलर ऑफ़ योर चॉइस फ्रॉम द कलर पैलेट यहाँ पे आपको कलर पैलेट मिल जाएगा फिर आपको जो कलर आपको फिल करना है वो कलर आपको चूज़ करना है क्लिक एनी वेयर इन साइड द शेप यू वॉन्ट टू फिल विद द कलर फिर उसके बाद आप यहाँ आओगे और इस शेप के बीच में क्लिक करोगे तो ये पूरी शेप एक बार में कलर हो जाएगी अगर आपने बाई मिस्टेक बाहर क्लिक कर दिया तो पूरा कलर बाहर चला जाएगा अंदर कुछ नहीं जाएगा ठीक है तो आपको शेप के अंदर क्लिक करना है द सेलेक्टेड कलर गेट्स फिल्ड इन द शेप तो जो कलर आपने सेलेक्ट किया है वो कहाँ फिल हो जाएगा इस शेप में फिल हो जाएगा इरेजिंग द शेप यू कैन इरेज एनी शेप और अ पार्ट ऑफ इट विद इरेजर टूल तो आप इरेजर टूल का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को या उसकी किसी पार्ट को इरेज कर सकते हैं उसके लिए आपको अगेन ब्रशेज पे जाना है हेयर इट्स ब्रशेज और आपको यहाँ मिलेगा इरेजर टूल ड्रैप द थिकनेस स्लाइडर टू चेंज द थिकनेस ऑफ द इरेजर अब इरेजर का साइज मान लो इतना है यू वॉन्ट टू इंक्रीज इट तो आपको इसको इधर को मूव करना है तो ये साइज़ बड़ा हो जाएगा और अगर आप इसे इधर मूव करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा ठीक है तो आप इस तरह से इरेज़र का साइज़ चेंज कर सकते हैं ड्रैग योर माउस ऑन द शेप यू वॉन्ट टू इरेज तो जैसे आपने ये ड्रॉ किया था ना क्लिक करके ड्रैग किया था सेम उसे ही आपको ऐसे ऐसे इरेज करना होगा इरेजर टूल के साथ तो उतनी शेप इरेज हो जाएगी ड्रॉइंग थ्री डी ऑब्जेक्ट्स थ्री डी ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रा करने हैं यू कैन ड्रॉ वेरियस थ्री डी शेप्स इन पेंट थ्री डी तो जैसे हम टू डी शेप्स प्रिंट कर सकते हैं पेंट कर सकते हैं वैसे हम थ्री डी शेप्स भी थ्री डी पेंट में पेंट कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं फॉलो दीज स्टेप्स टू ड्रॉ अ थ्री डी शेप तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं क्या करना है क्लिक ऑन थ्री डी शेप्स सबसे पहले आपको कहाँ पे क्लिक करना है थ्री डी शेप्स पे देन क्या होगा डिफरेंट थ्री डी ऑब्जेक्ट्स अपेयर इन थ्री डी शेप पैनल तो यहाँ पे थ्री डी शेप पैनल खुल जाएगा जैसे वहां पे टू डी शेप का खुला था यहाँ पे थ्री डी शेप का खुल जाएगा क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू ड्रॉ फिर जो भी आपको ऑब्जेक्ट इसमें से चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे और जहाँ आप रिलीज करेंगे उतना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा रोटेशन टूल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस अपीयर अपीयर अराउंड द ऑब्जेक्ट यू कैन यूज दिस टूल टू सी द थ्री डी इफेक्ट अब इसमें आपको बहुत सारे एक्सेस मिलेंगे इसकी एंगल को चेंज करने के लिए ठीक है तो इसका इफेक्ट आप देख सकेंगे रोटेट द ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्स एक्सेस अपॉन द पोजिशन वेयर इट टेक्स द थ्री डी फॉर्म तो आपको एक्स एक्सिस लेते हुए आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं ऐसे 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 ठीक है तो इनको आप रोटेट करके इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं जिससे आपको थ्री इफेक्ट मिलेगा जैसे आपको रोटेट किया तो ये क्या हो गया ये सिलेंडर शेप आ गई ये ऊपर को मूव हो जाएगी द ऑब्जेक्ट अपियर्स इन द थ्री डी फॉर्म तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया थ्री डी फॉर्म में आ गया इन दिस एग्जाम्पल द शेप हैज रोटेटेड एक्स एक्सेस टू अपवर्ड थर्टी डिग्री इसमें इस ऑब्जेक्ट इस को अपवर्ड थर्टी डिग्री रोटेट किया गया है ठीक है इसको ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर को रोटेट हो जाएगा चेंजिंग कलर ऑफ थ्री डी ऑब्जेक्ट जैसे टू डी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होता है वैसे थ्री डी ऑब्जेक्ट का भी कलर चेंज होता है यू कैन चेंज द कलर ऑफ थ्री डी ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर सकते हैं स्टेप्स विल बी द सेम लेकिन लेट सी क्या करना है क्लिक ऑन सेलेक्ट टूल सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट टूल पर जाके क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सेलेक्टेड फिर इस पर आपको क्लिक करना है एडिट कलर बटन फ्रॉम थ्री डी सेलेक्शन पैनल तो यहाँ पर आपको एडिट कलर मिलेगा और यहाँ पर कलर पैलेट खुल जाएगा ठीक है कलर पैलेट विल अपीयर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक कलर पैलेट मिलेगा क्लिक ऑन द कलर यू वांट टू अप्लाई अब जो भी कलर आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे उस कलर का ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन द सेलेक्टेड टूल ये सेलेक्टेड टूल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर है डिलीटिंग थ्री ऑब्जेक्ट अब अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आप क्या करोगे क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट टूल पे जाएंगे क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट इट अब जो ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है हो सकता है आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए हों तो हमें उसको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है तो पहले इस पर क्लिक करने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जो हमें डिलीट करना है क्लिक ऑन द डिलीट बटन अंडर द एडिट सेक्शन इन पैनल यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा ठीक है ये ऐसे जो रिसाइकल बिन वाला बॉक्स होता है वो आपको मिलेगा इस पर आप क्लिक करोगे तो जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी एडिंग स्टिकर्स, आप इसमें स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हो पेंट थ्री डी ऑफर्स सेवरल इन योर नेटवर्क डीज स्टीकर आर यूज टू एड टेक्स्चर एंड आइकन्स टू योर टू डी और थ्री डी ड्राॅइंग्स तो आप अपनी ड्राॅइंग में टेक्सचर एंड आइकन्स को ऐड करने के लिए स्टिकर्स का यूज़ कर सकते हैं पेंट थ्री डी द फॉर्म ऑफ शेप्स लाइक लाइन्स कर्व स्क्वेयर्स एंड स्टार्स ट्रेडिशनल स्टिकर्स लाइक क्लाउड स्वर्ल रेनबो एंड फेशियल फीचर्स एंड सरफेस स्टिकर्स। तो ये बता रहे हैं कि कौन कौन से स्टीकरस आपको अवेलेबल होते हैं तो ये सारे ही स्टीकर्स आपको अवेलेबल होते हैं उसमें जैसे कि ये एक स्टार है तो हमें क्या करना है उसके लिए सबसे पहले स्टिकर्स पे क्लिक करना है स्टिकर्स पैनल अपीयर ऑन द राइट साइड विथ थ्री आइकन्स स्टिकर्स टेक्स्चर एंड एड स्टीकर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टिकर्स के पूरे पैनल क्लिक ऑन द स्टिकर्स आइकन अब जो भी आपको चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है ऑल अवेलेबल स्टीकर अपीयर क्लिक ऑन द स्टीकर यू वॉन्ट टू एड आपको जो भी ऐड करना है उसमें आप क्लिक कर दोगे क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैक टू ड्रॉ द शेप आपको जो माउस की लेफ्ट बटन होती है ना उसको क्लिक करना है और ड्रैक करना है जैसे आपको शेप ड्रॉ करनी थी इन द सेम वे यू हैव ड्रॉ स्टीकर ऑल्सो रिलीज द माउस बटन जितना बड़ा आपको चाहिए उसके बाद आप माउस को रिलीज कर दीजिए इस बटन को छोड़ दीजिए स्टीकर अपीयर्स ऑन द कैनवस विद सम आइकन्स अराउंड तो इसके भी स्टीकर के भी आसपास कुछ आइकन्स आपको मिलेंगे यू कैन नाउ रोटेट और अ स्टैम्प कॉपी ऑफ योर स्टीकर यूजिंग दीज आइकन्स अब इन आइकन्स का यूज़ करके आप इसको रोटेट कर सकते हो कॉपी कर सकते हो क्लिक ऑन कमिट आइकन टू अप्लाई द स्टीकर ऑन द कैनवस कमिट आप क्लिक कर दोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा स्टीकर एडिंग थ्री डी टेक्स्ट अगर आपको थ्री डी टेक्स्ट एड करना है जैसे एक सिंपल टेक्स्ट होता है ठीक है लेकिन अगर आपको थ्री डी टेक्स्ट चाहिए जैसे कि एम्बोज होता है बोर्ड वगैरह पे बने हुए होते हैं ना एम्बोज ऐसे लिखा है उसमें थ्री डी इफेक्ट होता है वो ऊंचा होता है थोड़ा सा इस तरह से ठीक है तो ये थ्री डी इफेक्ट आपको टेक्स्ट में भी मिल सकता है यू कैन ऐड टू डी एंड थ्री डी टेक्सट टू योर ऑब्जेक्ट इन पेंट थ्री डी तो आप टू डी टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो या फिर थ्री डी टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो क्लिक ऑन टेक्स्ट आपको सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट में जाना है क्लिक ऑन थ्री डी आइकन थ्री डी आइकन पे जाना है या आपको यहाँ पे थ्री डी अगर आपको टू डी चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे और थ्री डी चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे यू कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल साइज कलर मेक टेक्सट बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन एंड डू अलाइनमेंट लेफ्ट राइट एंड सेंटर तो जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट में करते हैं वैसे हम इसमें भी टेक्सट पे ये सारे फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं और डॉटेड रेक्टेंगल बॉक्स अपीयर विद द ब्लिंकिंग कर्सर इन साइड इट तो आपको ऐसा एक बॉक्स स्क्रीन पे कैनवस पे मिलेगा जिसमें एक करसर ब्लिंक करता हुआ मिलेगा कर्सर वो होता है जहाँ पे हम टाइप करते हैं तो टेक्स्ट अपीयर होता है तो जैसे जैसे हम टाइप करेंगे ना ये कर्सर आगे को शिफ्ट होता जाएगा और टेक्स्ट लेफ्ट साइड इंसर्ट होता चला जाएगा देन टाइप योर टेक्स्ट आप टाइप करोगे क्लिक एनी आउटसाइड आउट द टेक्स्ट बॉक्स और उसके बाद कहीं पे भी बाहर क्लिक कर दीजिए रोटेशन टूल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस अपियर अराउंड द टेक्स्ट तो आपको जैसे थ्री ऑब्जेक्ट में मिल रहे थे वैसे इसके साइड्स में भी सारे एक्सेस मिलेंगे यू कैन यूज दिस टूल टू सी द थ्री डी इफेक्ट इसको आप रोटेट करके थ्री डी इफेक्ट को देख सकते हैं रोटेट द टेक्स्ट यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अप टू द पोजिशन वेयर इट टेक्स द थ्री डी फॉर्म और आपको इसको थोड़ा बहुत मूव करना है जब तक कि ये थ्री डी इफेक्ट नहीं ले लेता है क्लिक एन यूवेयर इन द कैनवस टू रिमूव द रोटेशन टूल उसके बाद आप कहीं पे भी बाहर क्लिक करोगे तो ये रोटेशन टूल अपने आप डिस हो जाएंगे यू टेक्स्ट अपियर इन थ्री फॉर्म और ये टेक्स्ट कैसा हो जाएगा थ्री फॉर्म में आ जाएगा एडिंग इफेक्ट्स यू कैन अप्लाई फिल्टर कलर एंड द लाइट पोजिशन इफेक्ट ऑन द थ्री डी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट आप कलर फिल्टर ऐड कर सकते हो लाइट पोजिशन को ऐड कर सकते हो इसमें ओपन और क्रिएट एनी थ्री डी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट पहले आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है थ्री डी Then click on effects, यहां पे आपको इफेक्ट्स मिलेगा इफेक्ट्स पैनल अपियर ऑन द राइट साइड यहाँ पे आपको इफेक्ट पैनल मिल जाएगा क्लिक ऑन एनी फिल्टर टू अप्लाई द इफेक्ट आपको इसमें जो भी आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे रोटेट द लाइट व्हील आइकन टू लाइट इन द इफेक्ट अब यहाँ पे आप अगर रोटेट करोगे तो ये लाइट की पोजीशन दिखाएगा कि आप लाइट कहाँ पे चाहते हो यहाँ 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 डू यू नो पेंट थ्री डी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विंडोज़ टेन ओनली तो पेंट थ्री डी जो है वो विंडोज़ टेन में ही इंट्रोड्यूस हुआ है उससे पहले वो सिंपल वाला पेंट चलता था यूजिंग थ्री डी लाइब्रेरी अब थ्री डी लाइब्रेरी में क्या होता है यू कैन एड थ्री डी ऑब्जेक्ट्स इन योर प्रोजेक्ट फ्राम थ्री डी लाइब्रेरी थ्री डी लाइब्रेरी से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने प्रोजेक्ट में एड कर सकते हो क्लिक ऑन थ्री डी लाइब्रेरी यहाँ पर आपको थ्री डी लाइब्रेरी में क्लिक करना है थ्री डी लाइब्रेरी पैनल अपीयर्स विच शोज द कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पर आपको पैनल मिलेगा जिसमें आपको थ्री डी ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी मिलेगी क्लिक ऑन एनी कैटेगरी इसमें आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है जैसे आपको एनिमल चाहिए तो आप एनिमल पे क्लिक कर दोगे ठीक है देन क्या होगा थ्री डी मॉडल्स रिलेटेड टू द सिलेक्टेड कैटेगरी अपीयर इसमें जो भी जैसे आपने एनिमल चूज किया है तो एनिमल से रिलेटेड जो भी थ्री डी मॉडल्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द मॉडल आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे को स्क्रॉल करना है और जो भी मॉडल आपको चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है सिलेक्टेड मॉडल अपीयर ऑन द कैनवस विद द रोटेशन टूल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस तो जैसे ही सारे ही थ्री डी ऑब्जेक्ट्स में होता है वैसे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और आप उसको रोटेट करके थ्री डी इफेक्ट देख सकते हैं रोटेट द मॉडल यूजिंग वाई एक्सेस अप टू द पोजिशन वेर इट टेक्स द थ्री डी फॉर्म तो जहाँ पे जितना आपको रोटेशन करना है आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करके इसको थ्री डी फॉर्म में ला सकते हैं क्लिक एनी वेयर इन द कैनवस टू रिमूव द रोटेशन टूल तो आप कैनवस में जब कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो ये रोटेशन टूल हट जाएंगे योर थ्री डी मॉडल फ्रॉम द थ्री डी लाइब्रेरी अपीयर्स ऑन द कैनवस तो आपका मॉडल कैनवस पे अपीयर हो जाएगा सेविंग योर प्रोजेक्ट सेव कैसे करना है आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू कैन सेव इट फॉर फ्यूचर यूज तो आप अपने प्रोजेक्ट को फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रख सकते हैं क्लिक ऑन मैन्यू आपको सबसे पहले इधर मैन्यू में जाना है बैक स्टेज व्यू अपीयर्स तो यहाँ पे बैक स्टेज व्यू आ जाएगा क्लिक ऑन सेव ऑप्शन इसमें आपको सेव ऑप्शन मिल रहा है यहां पे इस पर क्लिक करना है क्लिक ऑन इमेज ऑप्शन फिर आपको यहाँ पे इमेज ऑप्शन में क्लिक करना है क्लिक ऑन सेव एस टाइप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द फाइल टाइप यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपको कौन सी टाइप की फाइल को सेव करना है पीएनजी में करना है जेपीजी में करना है या इसके अलावा भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी यानी कि क्या होता है फाइल का एक्सटेंशन होता है फ़ाइल के नेम के पीछे डॉट के बाद हमेशा एक, एक एक्सटेंशन लगता है जिससे हमें पता चलता है कि किस टाइप की फ़ोटो है ठीक है तो फोटोज़ में ज़्यादातर पी एन जी एंड जी पी जी यूज़ होता है तो इससे हम फाइल टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं इन दिस एग्ज़ाम्पल वी हैव सेलेक्टेड पी एन जी फाइल टाइप यहाँ पर पी एन जी फाइल यूज़ किया गया है क्लिक ऑन सेव उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे ब्राउज द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू सेव द फ़ाइल अब यहाँ पे हमें जिस लोकेशन पे इसको सेव करना है जैसे मान लीजिए आपको डेस्कटॉप पे करना है तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे वो लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा और ये फ़ाइल आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे आप सेव करोगे ठीक है तो हमेशा सेव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से लोकेशन पे सेव कर रहे हो नहीं तो आपकी फ़ाइल खो जाएगी आप ढूंढते रह जाओगे तो पहले इसलिए हमें अच्छे से उसके लोकेशन को डिफाइन करना चाहिए कि हम अपनी फाइल को कहाँ सेव करते हैं अगर हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो ये सारी फाइल्स जाती हैं डॉक्यूमेंट्स में ब्राउज द लोकेशन वेर यू वॉन्ट टू सेव द फाइल तो आपको ये लोकेशन ब्राउज करने के बाद टाइप द नेम फॉर द फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स उसके बाद आपको यहाँ पे इस फाइल नेम के प्लेस पे इसको फाइल का नेम टाइप करना है कि आप इस फाइल को कौन सा नेम देना चाहते हो फिर करना है सेव सेव पे क्लिक करना है योर फाइल गेट सेव्ड इन द लोकेशन सेलेक्टेड इन स्टेप सिक्स तो आपका फाइल क्या होगा उस लोकेशन में सेव हो जाएगी जिस लोकेशन को आपने स्टेप सिक्स में चूज़ किया है तो फाइल सेव हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से आप एक फ़ाइल बना सकते हो थ्री पेंट में तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं अभी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग